नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नगर परिषद उपसभापति चुनाव में भाजपा की जीत, ललित प्रीतमानी बने उपसभापति। स्कूल बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी, कई स्कूली बच्चे हुए घायल। क्षेत्र में फैला फर्जी नीम हकीम डॉक्टरों का जाल। प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप, अमेठी पुलिस ने महिला के हत्यारे को किया गिरफ्तार। 5 दिन पहले हत्या कर शव को फेंका था सड़क किनारे। दिव्यांग शिविर में आपा खो बैठे डॉक्टर, प्रधान डीएम सीएमओ को देख लेने की दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात राजस्थान के पाली इलाके की, जहां नगर परिषद चुनाव में नगर परिषद उपसभापति का चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ललित प्रीतमानी उपसभापति चुने गए हैं। ज्ञात हो कि इस चुनाव में ललित प्रीतमानी को 39 मत मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के मोइनुद्दीन को 26 मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह से पाली नगर परिषद के दोनों प्रमुख सभापति एवं उपसभापति सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार हो गया है। परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पाली विधायक ज्ञानचंद पारख एवं वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। रिलीफ की जैसे आप पूछ रहे हैं, वो तो आता जाता रहता है। इस काम में अभी खत्म हुआ है, लेकिन हमारे पंचायती राज का काम जो शुरू हो गया है, तो काम तो कल से फिर से करना है। लेकिन ये ज़रा जो कार्यक्रम था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का भी जो रिजल्ट था, वो आप सबको पता ही है कि उपसभापति के लिए श्री ललित जी को 39 वोट, श्री मोइनुद्दीन जी को 25 वोट और 1 वोट नोटा को मिला है, तो श्री ललित जी निर्वाचित हुए हैं। और सारा कार्यक्रम आज बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। और धारा 144 जो लगी थी, वो तो अब हट जाएगी, और उससे पहले भी जो धारा 44 एक दूसरे कार्यक्रम के लिए लगी थी, वो भी हट जाएगी। तो आज विधायक जो वाइस चेयरमैन के चुनाव होने के बाद अब आचार संहिता पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अगली खबर राजस्थान के पाली जैतारण से है, जहां सीवरेज लाइन बिछाने वाली कंपनी द्वारा अनट्रेंड इंजीनियरों द्वारा बेतरतीब पाइपलाइन डालकर घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोग गड्ढों में गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। 50 करोड़ की ये परियोजना अभी तक आधी अधूरी पड़ी है। कई बार उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ चुकी है, लेकिन सारी फाइलें कचरे के डब्बे में धूल फांक रही हैं। कोई एक्शन नहीं लेने से ठेकेदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कितने समय से हो गया? महीने भर। एक महीने से? हाँ, एक महीने। किसी को शिकायत की आपने? शिकायत फिलहाल तो नहीं की है, लेकिन आने वाले जाने वाले को तो दिख ही रहा है, टूटा हुआ है। दिन भर कितना ट्रैफिक चलता है यहाँ पर? काफी ट्रैफिक चलता है, ट्रक वगैरह निकलते हैं, गाड़ी जाती ना। लगी कोई? हाँ, एक आदमी दो आदमी इसके अंदर भी गिर चुके हैं मोटरसाइकिल पर। अच्छा अच्छा। और बहुत नीचे गहरा गड्ढा होया हुआ है, रोड के नीचे भी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के लालसोट इलाके की, जहां दौसा सैथल थाना अंतर्गत गौरव पब्लिक स्कूल की बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिससे बस में सवार कई स्कूली बच्चे घायल हो गए। इस दौरान सभी घायल बच्चों को रामगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह रही कि किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हो पाया। लोगों का आरोप है कि स्कूली बसों में ओवरलोड सवारी ले जाने की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। सैथल थाना क्षेत्र के चोरडी गांव के गौरव स्कूल के बस डिवाइडर पर चढ़ने से 22 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक बच्चे की पैर में फ्रैक्चर है, जिसके लिए भर्ती कर लिए गए और बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अगली खबर भी राजस्थान के पाली इलाके से है, जहां सबसे बड़ी विधानसभा मारवाड़ जंक्शन के सैकड़ों गांवों में फर्जी डॉक्टरों का जाल लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बता दें कि मारवाड़ जंक्शन उपखंड के 48 ग्राम पंचायतों के 90 गांव में ये फर्जी डॉक्टर अपना डेरा जमाए हुए हैं। ये फर्जी डॉक्टर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बीते साल इन्हीं डॉक्टरों द्वारा उपचार के दौरान 3 मौतें हुई थी। लगभग कितने साल से यहाँ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो लोगों का? 5 साल। अच्छा, आप क्या क्या इलाज करते हो? बुखार, जुकाम, खांसी। सुनने में आया होम्योपैथी का भी इलाज करते हो आप? नहीं।
कोई डिग्री है आपके पास कोई? Yes. कहाँ से ली? बांग्लादेश. क्या डिग्री है? DIAMS. रजिस्ट्रेशन नंबर? खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान के घड़साना इलाके की, जहां भारतीय संविधान के 70 वर्ष पूर्ण होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट परिसर सहित विभिन्न स्थानों एवं पुलिस थाने में संविधान दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतराम मुंड, तहसीलदार दया राम सहित कई गणमान्य लोग द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली निकाली गई. रैली घड़साना के मुख्य मार्ग होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची. इस अवसर पर थाना स्टाफ को संविधान की प्रस्थापना और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी गई. 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था. यह 70वां संविधान दिवस है. 2015 के बाद इसे व्यापक रूप से मनाया जाना लगा. 2015 में भारतीय संविधान के प्रारूपकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी. अभी आदेशों के अनुरूप आज समस्त स्टाफ को संविधान दिवस के बारे में बताया गया, साथ ही संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों की भी जानकारी दी गई और उनका पालन करने का निर्देश दिया गया. अगली खबर राजस्थान के भादसोड़ा इलाके से है, जहां तालाब में गिरकर पूरी रात फंसी नीलगाय को आखिरकार क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा काफी प्रयास के बाद भी नीलगाय को तालाब से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद थक हार कर हाईवे से क्रेन मंगवाई गई और रस्सी से बांधकर नीलगाय को बाहर निकाला गया. खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के अमेठी इलाके की, जहां महिला की हत्या कर शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर फरार चल रहे अभियुक्त को फुर्सतगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि फुर्सतगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली क्षेत्र के रजईपुर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कत्ल में इस्तेमाल टूटा तमंचा और चाकू आदि बरामद किया गया है. हमें प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात शव मिला था महिला का, और ये इनका मर्डर किया गया था जो प्रथम दृष्टि समझ में आ रहा था. उसके बाद इनका PM करवाया गया तो पेट में एक गोली लगी हुई थी और कुछ जगह इनको इनसाइज वुंड्स थे जो कटने के निशान थे. और उसमें जब और गहनता से जब मुकदमा कायम करने के बाद जांच की गई, उस रूट पे चेक करवाया गया तो हमें एक CCTV फुटेज मिला. उस फुटेज में ये दिखाया गया कि एक व्यक्ति है, उसके साथ वो दो पहिया वाहन पर बैठकर जा रही है, और उसी व्यक्ति की जब शिनाख्त हुई तो जो उसी के रिलेशंस में लगता था, ओवर टाइम इस महिला का उस व्यक्ति के साथ एक अवैध संबंध हो गया था और ये चाहती थी कि वो आदमी इससे बकायदा शादी कर ले. वो इससे शादी नहीं करना चाहता था और उस महिला ने इसको धमकी दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुमको फर्जी 376 में जेल पहुंचा दूंगी. और उसी हॉट टॉक के चलते ये उस हॉट टॉक में और लड़ाई के चलते इसने उस महिला का एक अवैध तमंचा ही कैरी करता था, उससे फायर किया और उसके बट से और एक छोटे चाकू से प्रहार करके उसको मार दिया. अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां ब्लॉक मुख्यालय कोराव पर आयोजित दिव्यांग शिविर में दिव्यांगों की संख्या देख हड्डी रोग के डॉक्टर PC द्विवेदी अपना आपा खो बैठे, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि शिविर के दौरान डॉक्टर द्विवेदी ने प्रधानों से लेकर DM, CMO आदि को देख लेने की भी धमकी देने लगे. दरअसल दिव्यांग शिविर की अव्यवस्था को लेकर कुछ प्रधान शिकायत करने डॉक्टर के पास पहुंचे. आरोप है कि डॉक्टर ने एक विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य कागजात फेंक रद्दी टोकरी में डाल दिया, जिस पर प्रधानों द्वारा नाराजगी जाहिर करने पर तूतूमय शुरू हो गई. अगली खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां क्षेत्र के थाना सदर बाजार के कलेक्ट्रेट के सामने बाइक पर जा रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. देखिए, ये बड़ी दुखद घटना हुई है. आज दिन में कलेक्ट्रेट तिराहे पर एक महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी. बताया जा रहा है कि दो बाइक आपस में शायद जो है डिसबैलेंस होकर के उसकी वजह से पीछे से आते हुए एक ट्रक के पहिए के नीचे उनकी बाइक चली गई और उनकी जो है काफ़ी दुखद रूप से जो है उनका देहांत हो गया एक महिला का. पुलिस के द्वारा जो जिस वाहन से घटना खरीद करी गई उसको कब्जे में ले लिया गया है और जो ड्राइवर था उसको अरेस्ट किया गया है.
और ये जो महिला है इनका जो शव तुरंत ही पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भरवाया गया है। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रांगण में विद्यालय के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की 11वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी ने छात्रों को संबोधित कर पूर्व पीएम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।